अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन शाशलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे कप घी हम चिकन क्यूब्स काट के वो डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह आप फ्राई करेंगे ताकि ये अपना सारा पानी इसका सूख जाए। अपने इस पानी में ये गल जाएगा, क्योंकि इसलिए छोटे छोटे किए हैं ताकि जब आप मुंह में डालें तो आपके एक नवाले के साथ ही बहुत बड़ा टुकड़ा ना आए। इसके साथ कटिंग करके हमने डाइस कटिंग कर दी है ऑनियन, टमाटो, तकरीबन 6 से 7 टमाटो हैं, और हाफ के जी जो है ये कैप्सिकम है, ये टमाटो केचप है, ठीक है, ये सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, सोया सॉस और विनेगर, ये चीज़ें बस इसमें ऐड की जाएंगी। आपने अच्छे से सब्जियों की पहले डाइस कटिंग करके अपने पास रखें, उसके बाद एक ही दफ़ा जब शुरू करेंगे तो आपको बीच में बार बार इधर उधर आना जाना नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब है कि आपको बार बार एक सब्ज़ी को धो के फिर काटना, फिर उसका टाइम करना, वो नहीं होता। चाइनीज़ अगर आपने बनाना है तो आपने उसको पहले उसकी कटिंग मुकम्मल करनी है, और फिर क्योंकि ये तेज़ आंच पर पकता है और इसमें आपको जल्दी करना होता है, क्विक क्विक सारा कुछ। चिकन ने काफ़ी हद तक अपना पानी जो है उसका खुश्क हो गया, देख रहे हैं अब घी काफ़ी साफ साफ हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून सिरका, 1/4 टेबल स्पून जो है ना वो उसको थोड़ी सी खटास देगा, ठीक है, वो बहुत मज़े का लगेगा आपको। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, सिर्फ आधा 1 टेबलस्पून आपने डालनी है, ठीक है, क्योंकि आधा किलो जो है ना वो चिकन है मेरे पास, आधा किलो ही शिमला मिर्च और आधा किलो ही आप कह सकते हैं कि टमाटर और प्याज आधा आधा किलो में यही आप रखेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे केचप, नमक, काली मिर्च और रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, पहले सबसे प्याज डालेंगे क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं, टमाटर एंड में डालेंगे। अब इसमें कैप्सिकम डालेंगे,
ये डालते हुए ना व्यूअर्स, आपने ना एक चम्मच पकाते हुए में एक चम्मच आपने ना सिर्फ इसमें चीनी का डाल देना। ये आपका जो एक खुफिया इंग्रेडिएंट्स जिसे कहते हैं ये वो है, ताकि ये आपको बहुत जायका देगा। उसमें जो खट्टा सिरका डाले हमने और ये चीनी डाली है, उसके साथ खट्टा और मीठे का बहुत अच्छा इम्तज़ाज आता है। अब यहाँ इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। हम यहाँ का तकरीबन हम 3 से 4 टेबल स्पून जिसमें सोया सॉस डाल देंगे, क्योंकि सोया सॉस को इतना ज़्यादा आपने पकाना नहीं होता, इसलिए इसको एंड में डालेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये अब हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसमें आपको हर चीज़ क्रंची क्रंची नज़र आएगी। देख रहे हैं आप, गला हुआ भी है चिकन भी और कैप्सिकम टमाटर हर चीज़ गल चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी शक्लों में बिल्कुल वाज़ेह है कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे। ये चाइनीज़ में यही होता है कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपने सही विटामिन्स के साथ मिलती हैं। जैसे हम पाकिस्तानी खानों में पका पका कर भून भून के उनको सारे मिनरल्स उनके ख़त्म कर देते हैं, ये इस तरह नहीं होता। बहुत अच्छे से पक चुका है, टेस्ट इसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। पकाएं, खाएं और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपने जब बनाया तो कैसा लगा। अभी मैं इसके साथ चावल बॉयल करूँगी, फिर डिश आउट करके आपको दोनों चीज़ें एक ही दफ़ा दिखाऊँगी। थैंक यू। ये कलरफुल से बॉल में आप इसको डिश आउट करें और प्लेन राइस के साथ पेश करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़े के बने हैं।